होगी और चर्चा चाय पर होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और चार चरण में झारखंड में लोकसभा चुनाव होंगे। लिहाजा हम जनता की मूड जानने के लिए पहुंचे हैं और चाय पर चर्चा करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि इस बार की जो सरकार है उसके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, या फिर वर्तमान जो सांसद है रांची के रामटहल चौधरी, उनके कार्यकाल से जनता कितने संतुष्ट है और उनके जो वायदे थे चुनाव के दौरान वो कितना पूरा होता दिख रहा है। आप रांची के निवासी हैं, जो वर्तमान सांसद हैं रामटहल चौधरी, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? जैसे रांची के जो हमारे सांसद हैं रामटहल चौधरी जी, पिछले बार 2014 में भारी मतों से जीतकर विजयी हुए थे, और अगर आप देखिएगा तो रांची की जनता को जो भी सुख सुविधाओं की अपेक्षा थी रामटहल चौधरी जी से और उनकी पार्टी भाजपा से, लगभग हम मेरे हिसाब से तो सरकार पूरी जगह खड़ी उतर रही है। अगर आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, डेली आपको पेपर के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चलेगा कि ग्रामीण एरिया में बहुत सारा रोडों का शिलान्यास हो रहा है। जो इस बार की सरकार है केंद्र में, उससे कितना संतुष्ट है, या फिर बदलाव की जरूरत है देश को? देश तो हमेशा बदलाव चाहता है, ठीक है, और हम लोग सरकारी कर्मी है इसलिए बहुत चीज नहीं बोल सकते हैं। सरकार क्या खेला खेलती है वो लोग हम, चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव होने वाला है? मोदी इतना स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं मिलेगा जो तुरंत बदला लेता है, ऐसा आदमी हम लोग चाहते हैं। अच्छा, बदला लेने वाले लोग को आप हाँ, मिलाना चाहते हैं? मोदी जी है ऐसा। चलिए आप चाहते जाएगा कि पते नहीं चलेगा। चलिए आप लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए थे, क्या चाहते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में आप? भाजपा को देश को मर्द प्रधानमंत्री। बार जो चुनावी मूड है राजधानी में झारखंड में, किस रूप में देख रहे हैं राजधानी के चुनावी नतीजों को, या फिर चुनावी मूड? झारखंड की जो राजधानी है रांची, रांची में रामटहल चौधरी जो हमारे सांसद है बहुत अच्छे कार्य करते हैं, उस पर हम लोग सारे लोग मूड बना के रखे हैं कि भारी मतों से विजय बनाना है और जुलूस नाचगान और मोदी जी को 400 से पार अब की बार भेजना। चलिए सदन में आपके जो सांसद है वर्तमान सांसद, वो जोरदार तरीके से आपकी समस्याओं को रखते हैं, क्या लगता है आपको? जी बहुत अच्छा से रखते हैं और किसी भी काम को बहुत जल्द हैंडल करते हैं, वो बीजेपी में सबसे अच्छे वो है अभी। मतलब उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। चलिए कुछ और लोग उनसे भी जान लेते हैं। दादा, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, किस रूप में इस बार के चुनाव को देख रहे हैं और क्या वो मुद्दा है जिसको लेकर ईवीएम का बटन दबाइएगा? युवा वर्ष के ऊपर जो कार्य किया है सेंट्रल से गवर्नमेंट ने, उनको जो रामटहल चौधरी ने यहाँ झारखंड के वासी को पहुँचाया है, उसी को देखकर मैं रामटहल चौधरी जी को सपोर्ट करूंगा। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है इस बार रामटहल चौधरी को भाजपा की ओर से टिकट मिलना चाहिए या फिर इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी की बदलाव चाहते हैं? देखिए टिकट की बात है तो देखिए हम लोग तो पहले तो मोदी को वोट करते हैं, वोटिंग मोदी को करते हैं, प्लस की उनको टिकट मिलता है सरकार तो मोदी का बनेगा। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे कि कोई काम अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो पूरा भारत देख रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। युवा का बात है, युवा हम लोग अभी का पीढ़ी, हम लोग बोलते हैं अभी कि बाप की दौलत उसे कहते हैं लगा दे पानी में आग, फुटानी उसे कहते हैं, ये एक बड़ा मुहावरा है। अभी हम लोग मोदी जी को जिता करके युवा वर्ग एक बड़ा मिसाल कायम करेंगे और 404 सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, लेकिन लगातार जो सरकार के जो वायदे थे जो नौकरी को लेकर के, लेकिन बहुत सारा युवा वर्ग उनसे छुप भी है कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ, नौकरियां नहीं मिली लोगों को। मिल रही है सबके मेहनत सफलता में साथ ही मिलेगी, मोदी इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं मोदी जी हमारे झारखंड में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इतना वैकेंसी हुई, रेलवे हो गई, इंडियन फोर्स हो गई, अभी जो पाकिस्तान में कांड हुई थी उसमें भारी सपोर्ट रहा हमारा मोदी जी का, और उन्हीं का सरकार रहेगा जहां तक हो सके। आप सहमत है फिर से एक बार मौका देना चाहिए? हमेशा परमानेंट वही रहेंगे। चलिए आप लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं, क्या लगता है इस बार देश का नेतृत्व किनके हाथों में जाना चाहिए? हम इसमें कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि हमारा भारतीय संविधान में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि इतना परिश्रम करके लड़के को आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, 70% आया है मेडिकल में, मेरा लड़का का नहीं हुआ और 35% वाला को मेडिकल में हुआ, लेकिन फिर भी सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है सरकार। कुछ नहीं, कुछ आज देगा, बीज बोएगा, जमेगा, क्या होगा तब तक हम जिंदा रहेंगे, कुछ नहीं, हम किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। तो वोट का बहिष्कार करेंगे, नोटा पे बटन दबाएंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए संविधान में कोई अधिकार, ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, और लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्या लगता है इस बार का जो चुनावी मूड है, जनता किस ओर बटन दबाने जा रही है, या फिर आपका क्या रुख होगा इस बार के चुनाव को लेकर? बिल्कुल भाजपा की तरफ,
और मोदी जी जिसको भी भेजेंगे यहाँ हम लोग उनको जिताएंगे, जिनको भी टिकट मिलेगा उनका जिनको भी मिलेगा उनको जिताएंगे। चलिए, आप किस रूप में देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को? बहुत अच्छा रूप में देख रहे हैं और मोदी जैसा काम भी कर रहे हैं, पहले आज से कभी ऐसा कभी देखने मिला नहीं था हम लोग को। हर जगह काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। क्या विकास दिखा आपको इन चार सालों में या पांच साल में? अब चुनाव तो खैर आने ही वाला है, क्या विकास दिखता है? विकास दिखता है कि जिस गांव में पहले हम लोग जाते थे वहां रोड नहीं रहता था, आज जाइए तो वहां पे जहाज उतारने लगे रोड है, हर जगह चारों तरफ जाइए वही है, बिजली नहीं था, बिजली बहुत जगह पहुंच चुका है। इसलिए उनका टीम बहुत अच्छा है और उनके तरफ जिसको भी यहाँ टिकट मिलेगा उनको हम लोग खुलकर सबको वोट देंगे। क्या लगता है इस बार जो केंद्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनको मौका देना चाहिए या फिर युवा बदलाव चाहती है? नहीं, उनको तो कम से कम अभी 10 साल और देनी चाहिए, कम से कम 5 साल में कोई प्रधानमंत्री इतना जल्दी सुधार नहीं ला सकते हैं, कम से कम उनको और 10 साल देनी चाहिए, एक बार और मौका मिलना चाहिए एकदम, और 10 साल कम से कम, इस बार तो चाहिए ही चाहिए, इसके बाद भी और 5 साल। और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है किनके हाथों में देश की जनता बागडोर सौंपेगी? मोदी के हाथ में देश की जनता सौंपेगी। क्या लगता है क्या वो काम था जो पूरा किया और जिसको देख करके आप फिर से एक बार भाजपा के बटन और भाजपा को वोट देने जा रहे हैं? जो आज तक कोई प्रधानमंत्री काम नहीं किया था नरेंद्र मोदी की, क्या जानना जैसे बताएं आपकी क्या वो काम लगा कि देश के अन्य प्रधानमंत्री ने नहीं किया और नरेंद्र मोदी ने वो काम को बहुत बखूबी ढंग से किया? जैसे बहुत सारा काम है, देखिए रोड, सारी रोड, नाली, बिजली, जैसे हमारे झारखंड में देखिए मतलब विकास का पैमाना धरातल पे आपको दिख रहा है। जी जी। चलिए, तो लोग हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? एक चीज, जैसे आपने पूछा कि क्या चेंजेस नरेंद्र मोदी जी ने लाया, तो सबसे पहले जब 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, हमारा देश अगर आप वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखिएगा तो 134वें नंबर पे था। आज करंट 2018 में वो रैंकिंग सुधर के हम लोग 99 पे आ गए, लगभग हमने 30 अंकों का सुधार उस जगह पे किया। अगर आप बात कीजिएगा FDI का, विदेशी पूंजी का निवेश भारत में आने का, तो अभी सारे विदेशों से लगभग हमारे देश को तीसरा सबसे सुरक्षित स्थान माना जा रहा है जहां पर कि FDI इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। नरेंद्र मोदी से अच्छा आदमी साले को धरती में पैदा भी नहीं लिया है रे बाबा, बस नरेंद्र मोदी नमो नमो। चलिए, तो लोग हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और यहाँ पर एक सुर से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। इसी बीच कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लंबे समय से आपको अनुभव रहा है, देश की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, क्या लग रहा है जो पिछले 5 साल में जो देश की जो राजनीति हुई है, जो देश में सरकारें थी उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? फिलहाल तो भारत के लिए नरेंद्र मोदी ठीक है, क्योंकि ये जो भी स्टेप लेते हैं पूरा क्लियर करके लेते हैं, पूरे देश के लोगों को सामने ये नहीं कि पीछे छिपा के, इसलिए 19 जो है फिर से मोदी ही आएंगे। जो वायदे थे उनके कितना पूरा होता आपको दिख रहा है? क्या क्या जो वादा था जो लग रहा है कि हाँ रांची में देश में वो धरातल पर उतरा है वो? नहीं, थोड़ा तो कमी है रांची के लिए, यहाँ IIT का वो जो बताए थे वो नहीं हुआ, प्लस शिक्षा का भी यहाँ जो उनके भी थोड़ा सा समस्या है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है किसके हाथों में? पूर्ण बहुमत से जीतेगा, पूरी तरह से। आखिर क्यों लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए? मर्द है, मर्दांगी वाला काम किया है, और कोई काम ऐसा नहीं किया था, जाके अंदर में घुस के जो मारा, दूसरा कोई ऐसा काम ही नहीं किया था। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है और लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि आखिरकार देश की जनता को एक बार फिर नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, लेकिन 23 मई को निर्णय हो जाएगा कि देश की जनता ने किसको वोट दिया है और देश की जनता का मूड क्या है। बहरहाल हम बने रहेंगे आपके साथ, अन्य शहर से, अन्य जगहों से आपको फिर दिखाते रहेंगे। कैमरा विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, Zee Media, रांची।